चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह और बंगाली गर्ल प्रीति विश्वास अभिनीत भोजपुरी मूवी राजा बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हुई नजर आ रही है। जी हां, शुक्रवार की तरह ही फिल्म को शनिवार को भी बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पांस देखा गया। सभी सिनेमाघरों में बम्पर ओपनिंग दर्ज किया गया। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में करीब 70 से ज्यादा सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया और सभी सिनेमाघरों में फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे फिल्म ने शुक्रवार और शनिवार का कलेक्शन क्या किया होगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक राजा की फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि फिल्म ने अभी तक कितना कलेक्शन किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन करीब 5 से 7 लाख रुपए का रहा, तो वहीं शनिवार को यह कलेक्शन भी 5 से 7 लाख का ही आसपास रहा, यानी दो दिन में मिला के 15 से 16 लाख रुपए के बीच का कलेक्शन रहा। हालांकि आपको बता दें कि यह ऑफिशियली कलेक्शन नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि खबर यह भी आ रही है कि संडे को यह कलेक्शन काफी बढ़ सकता है, क्योंकि संडे छुट्टियों का त्यौहार होता है और इस दिन घरों में काफी भीड़ देखी जाती है। अब देखना यह है कि संडे यानी कि रविवार को फिल्म में कलेक्शन में इजाफा होता है या नहीं होता, या तो संडे को ही पता चल पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि राजा में जहां सुपरस्टार पवन सिंह के दमदार डायलॉग को भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वहीं प्रीति विश्वास के साथ जोरदार आइटम तड़का भी दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। फिल्म में चांदनी सिंह का भी आइटम तड़का दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजा फिल्म देखने लायक बनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक राजा नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर राजा जरूर देखें, और जिन लोगों ने राजा मूवी देखा वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको राजा फिल्म कैसी लगी।